सब उम्मीद को तो आप सब बता चुके। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरा ही वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक शेयर करूंगी। ये थोड़ा सा बोल्ड है, थोड़ा सा सिंपल है, आप डे या नाइट टाइम पे भी कैरी कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, और मैंने ऑप्शंस भी आपको दिया है कि आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो या अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आपको कोई भी अगर मेकअप के रिलेटेड वीडियो देखना है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लैक्मे का फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, आप इसके जगह लैक्मे का जो बीबी क्रीम आता है वो भी यूज कर सकते हो। पॉन्ड्स का बीबी क्रीम आता है आप वो भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये यूज कर रही हूँ। और अगर आपको प्राइमर चाहिए तो प्राइमर के लिए आप ब्लू हेवन का प्राइमर यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। पहले ये इनवाई बे का यूज कर सकते हो, या फिर ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है ये भी अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ये आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करोगे। तो मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन को दो बार लेके यहाँ पे डैप डैप कर सकते हो। उसके बाद इसको सेट करने के लिए आप लैक्मे का एक कॉम्पैक्ट आता है वो भी यूज कर सकते हो। ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। लैक्मे का लूज रोज पाउडर भी आता है, वो भी यूज कर सकते हो। और लेकिन मैं यहाँ पे ये निविया का पाउडर यूज कर रही हूँ, ये रेगुलर पाउडर है। मैंने इसको दो या तीन बार यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं इसको ही यूज करूंगी। ये अच्छे से सेट कर लेता है और एक नेचुरल फिनिश देता है अपने स्किन पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाउडर अप्लाई कर लिया है, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लूंगी। पाउडर फेस पे ना रहे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वेट एंड वाइल्ड का एक पैलेट है इसको सजेस्ट करूंगी। ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, ये मैंने बहुत साल पहले खरीदा था, रोज इन द ईयर। और इस पे आप आई शेडो की तरह अप्लाई कर सकते हो, हाइलाइटर भी कर सकते हो, अपने आईब्रोज फिल कर सकते हो और कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो। इसलिए ये मल्टीपल पर्पस के लिए है, इसलिए मैं ये आपको रिकमेंड करूंगी। या फिर आप ये मैंने खरीदा था, ये एल ए कलर्स का है, ये भी बहुत ही अच्छा पैलेट है और बहुत ही ज्यादा रिजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। आप चाहो तो आप इसको भी एक बार ट्राई दे सकते हो, ये बहुत ही अच्छा पैलेट है। ये वाला एक क्लीन ब्रश से इसको मैं इसको ट्रांजिशन शेड की तरह अप्लाई करूंगी। आप अपने ड्रेस के कलर के हिसाब से ट्रांजिशन शेड ले सकते हो, या फिर आईलेट पे उसी कलर को भी प्लेस कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे ये उससे थोड़ा सा डार्क कलर है ब्राउन शेड, इसको मैं प्लेस करूंगी। पिंक शेड, मेबलिन का पिंक कलर लिपस्टिक है, इसको मैं एज
आईलिड पे अप्लाई करूंगी। अब इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा कपर कलर का या फिर आप गोल्डन आई शेडो भी लेकर पिक कर सकते हो, तो मैं इसको प्लेस करूंगी। एक गोल्डन शेड को लेके अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी। मैं यहाँ पे ये डार्क ब्राउन शेड को लेके अपने लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा स्मूथ करूंगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी लाइनर। तो लाइनर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इन कलर का भी स्केच लाइनर आता है और लैक्मे का या फिर मेबलिन का लाइनर भी मिल जाता है अफोर्डेबल प्राइस में, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी थोड़ा सा काजल, ये एनवाईबे का काजल है, आप मेबलिन का लैक्मे का काजल मिलता है आप वो भी लगा सकते हो, या फिर डैजलर का भी काजल मिलता है आप वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने काजल लगाने के बाद अपना आईब्रो भी सेट कर लिया है। उसके बाद हम आईलैश कर्ल यूज करेंगे अपने आईज को कर्ल करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ये मेबलिन का सुपर कर्ल मस्कारा है, ये भी बहुत अफोर्डेबल है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। लैक्मे का भी जो मस्कारा है वो भी बहुत अफोर्डेबल है, आप वो भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे कंटूरिंग। तो कंटूरिंग के लिए मैं यहाँ पे ये पैलेट लूंगी, वेट एंड वाइल्ड का पैलेट, और इसमें से एक डार्क ब्राउन शेड और ये हल्का ब्राउन शेड को मिक्स करके मैं अपना कंटूर करूंगी। ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लश। ब्लश के लिए आप कोई भी पिंक कलर का लिपस्टिक यूज कर सकते हो, मैं हमेशा पिंक कलर का लिपस्टिक यूज करती हूँ। आप हल्का पिंक कलर यूज कर सकते हो या फिर आप डार्क पिंक कलर भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको ब्लश की तरह यूज करूंगी। इसको मैं हाथों से ब्लेंड कर लूंगी।
उसके बाद हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए आप ये सिवाना का हाइलाइटर पाने की जब भी हाइलाइटर पैलेट आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है और अब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगी, ठीक है, ब्रश से लेकर। अपना अप्लाई करूंगी, ये मैंने लोकल से ही खरीदा था, ये कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पिंक कलर है। यहाँ पे मैं प्लम का फेस मिक्स यूज कर रही हूँ फेस को सेट करने के लिए। आप चाहो तो वेट एंड वाइल्ड का भी मिलता है, आप वो भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अफोर्डेबल है। या फिर आप पर्पल का भी मिलता है, वो भी आप यूज कर सकते हो।